ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 90 स्थित धमक रेस्टोरेंट में अवैध रूप से शराब परोसने का मामला सामने आया है। सोमवार रात पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने रेस्टोरेंट में छापा मारकर बड़ी मात्रा में अवैध शराब और बियर बरामद की है। छापेमारी के दौरान 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि रेस्टोरेंट का संचालक मौके से फरार हो गया। आबकारी निरीक्षक शिखा ठाकुर के अनुसार उन्हें सूचना मिली थी कि सेक्टर 90 में धमक रेस्टोरेंट में अवैध शराब ग्राहकों को परोसी जा रही है। इस अवसर पर आबकारी विभाग की टीम ने सेक्टर 162 थाना पुलिस के साथ मिलकर रात करीब 11 बजे रेस्टोरेंट पर छापा मारा। छापेमारी में पुलिस ने अंग्रेजी शराब और बियर की कई बोतलें बरामद की हैं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से अमर सैनी की रिपोर्ट।